डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे की अध्यक्षता में आगामी प्रांतीय चुनाव और जनपद स्तर की समस्याओं को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक रविवार को जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी विभाग में आयोजित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जनपद स्तर का कार्यक्रम है, इस बैठक में प्रदेश के कार्यकारिणी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंत्री डॉक्टर डी के सिंह, डॉक्टर ओ पी पांडे, डॉक्टर गुल्लू सिंह, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश भारती सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने कहा, साथ ही साथ आज हम जो उदाहरण से हमारा जो संगठन है, ये नया संगठन तुरंत देश का क्रांति का कार्य में होने जा रही है। ये हमारा जनपद स्तर का कार्यक्रम है डीपीए का, और प्रांत का चुनाव होने वाला है, उस पर भी चर्चा करने का वो है, आपसी सदस्यों के उनके जो है मनोभावना को, उनके विचारों को आपस में रखने का इसीलिए बुलाया गया है। कुछ जनपदीय समस्याएं हैं जो जिसके लिए भी वो अपना विचार रखेंगे। सीएमओ महोदय कुछ कारण हम लोगों के लंबित पड़े हुए हैं, उसके लिए भी उनसे वार्ता करना है। मुख्य रूप से जो ये कार्यकारिणी पहली कार्यकारिणी है, नई कार्यकारिणी जनपद के बनने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें सारे सदस्यों को बुलाया गया है आपस में आपसी विचार विमर्श करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जो एक और एक परिचय पत्र भी बनना है जीपी एसोसिएशन जनपद शाखा गोरखपुर के लिए, वो परिचय पत्र किस कैसे बने इसका भी वो चल रहा है, तथा प्रांत में जो निर्देश आया है उसके अनुसार सभी सदस्यों का आपस में विचार विमर्श किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, इससे प्रदेश के कार्यकारिणी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। इस बैठक के द्वारा हम लोग एक नई जागृति पैदा करेंगे। तमाम ऐसे वो कार्य हैं जो लंबित पड़े हैं जनपद स्तर से, उसके लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा, दूर करने की कोशिश किया जाएगा।